तो देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है रायपुर में। मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है आसुराम बापू के। पोस्टर लगा हुआ है, मेरे एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या चीज़ का मनाया जा रहा है। तो भोजन पानी का भी व्यवस्था रखा गया है, देख सकते हो दूर दूर से आए हैं तो उनके लिए व्यवस्था है। और मन साइड जाके दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। रसोड़ा सेवा में बालोद से और बिलासपुर जो जो भाई भी जिस सेवा में लगे हैं, गंगा रावण भाटा में बहने वाली है तो आज हम सब इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। जितने भी सेवाधार भाई बहन जो आए हैं वो अपने अपना सेवा में जरूर सहयोग करें। जो भी जिस सेवा में जिनका नाम है वो पूरे तन मन धन से हम सबको लगना है। और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम रायपुर का गुरु जी के चरणों में हम सभी समर्पित करेंगे और बाबूजी का हम सबको दर्शन सत्संग का भी लाभ जरूर मिलेगा। तो सभी साधक भाई बहनों से निवेदन है भोजन प्रसाद लेते जाएं और पंडाल वाले भाई बाहर। तो अभी स्टार्ट होने वाला है। फाटम हो रहे देख सकते हो, अभी तैयारी चल रहा है और इधर भोजन पानी करके बैठेंगे सभी लोग। मातृ पितृ पूजन होने वाला है अभी। मैं पहली बार आया हूँ रायपुर में, हो रहे हैं तो यहाँ पे खाने पीने और अन्य सामग्री की दुकान लगी है। बहुत ज़्यादा बिक्री है जो कि मैं देख रहा हूँ 5 मिनट से। मैं भी देखता हूँ क्या अलग अलग चिप्स मिल जाए। तो इस साइड अभी मेला भी लगा हुआ है जो कि राजिम मेला के साथ साथ इधर भी लगता है रावण भाटा में। तो दिन में तो ऐसे लग रहा है, रात में बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल मैं वीडियो बनाया था, आप लोग को लिंक मैं यहीं दे दूंगा तो आप देख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम है और अभी एस सेकेंडरी फ़ोन में भूल चुका हूँ ना। तो ये चीनी की बनी हुई कलाकृति देख सकते हो, गमला लगा सकते हैं इसमें। तो कपड़ा, स्टेशनरी और अचार, मुरब्बा और बहुत से सारे आइटम हैं। चलो दिखाते हैं आपको। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर पूरा कलर कपड़ा आइटम है। पूरा लड़कियों का है आइटम, सूट साड़ी, आगे नहीं जाते। तो ये कुछ शर्ट्स लगे हुए हैं जो कि मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। लड़कियों के टॉप्स, तो कपड़ों का ज़्यादा है दोस्तों यहाँ। पिछले बार की तरह नहीं लगा हुआ है, पिछले बार तो बहुत अच्छा लगा था, मैं ऊँट की सवारी भी किया था। कुछ विशेष मज़ा नहीं आया उधर भी, सारे कपड़े लगे तो मैं अंदर ज़्यादा नहीं गया। टाइल्स में आप ऐसे कारपेट बिछा सकते हैं अपने घर में, बड़ा बड़ा साइज का भी है। और ये पूरे स्टेशनरी लड़कियों का फैंसी आइटम है।
तो आप पार्किंग में देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितने बड़े बड़े बस और कार्स खड़े हैं, जो कि बहुत हर ज़िले से आए हुए हैं। राज्य स्तर में हो रहा है ना रायपुर में, तो ये एक तो ये मेला के कारण भीड़ है और ये मातृ पितृ पूजन के कारण। तो बाइक पार्किंग में मैं यहाँ कार लगा दिया हूँ। तो ये है खट्टा का सब्जी और ये हलवा है, देख सकते हो, मैं भी खा रहा हूँ यहाँ। टेस्टी है दोस्तों, स्वादिष्ट है। तो खाना मैंने खा लिया, हलवा भी खा लिया, अब लास्ट में ठंडा के लिए खा रहा हूँ चोकोबार। उसके बाद पूरा पेट पूजा हो गया। बोलना चाहिए अपने भाई बहनों को, लेकिन फिर भी आप लोग एक गुरु जी की आज्ञा से मेरे द्वारा बोलने के बाद